अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त जेल रोड पे खड़ी हूँ। सामने नजर आ रहा है कनेड कॉलेज और यहाँ पर है ये मिड सिटी हॉस्पिटल। अब्बू को लेके आई हूँ और ये देखिए कितनी जबरदस्त और मजेदार चीज मुझे मिल गई। मैंने कहा इसकी तो वीडियो बनाऊ। ये कैसे देते हैं? और ये एक लिफाफा 50 रुपए का। और ये क्या है? क्या कूड़ा? देखिए तो कितनी जबरदस्त मजेदार यहाँ हमारी लाहौर की सौगात। तो मैंने कहा कि मैं आपको ये भी दिखा दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए क्या जबरदस्त जगह है। रश जरा मुलाहिजा करें और जरा ट्रैफिक मुलाहिजा करें और जरा पार्किंग मुलाहिजा करें। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए जनाब जबरदस्त किस्म की पार्किंग है ना, तबाही वाली। तो कनेड कॉलेज का तो नाम सुना होगा है ना, जरूर जानते होंगे। जी हाँ, ये मेरी बहन भी यहीं से पढ़ी है। और अब क्या पता था उस जमाने में किसके ऑपोजिट एक हॉस्पिटल बनेगा जो ये लोग बनाएंगे मिलके अपने दोस्तों के साथ। तो मैं यहाँ आई हुई हूँ, अब्बू का दांत निकालना है तो मैं उनको लेके आई हुई हूँ। तो मैंने कहा कि मैं ज़रा यहाँ की सैर करा दूँ और ज़रा मुलाहिजा कीजिए, रश मुलाहिजा कीजिए। इतना रश था, बहुत टाइम लगा हमें डिफेंस से यहाँ तक आने में, क्योंकि ये जेल रोड है और जो लोग लाहौर को जानते हैं उनको तो पता होगा कि जेल रोड के क्या हालात होते हैं। तो आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह यह है कि कुछ जगहों पे अंडर पासिस बन रहे हैं। तो चलें जी अंदर चलते हैं और दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है। हैं जी, ये देखिए ये अंदरून है और मैं जा रही हूँ अंदर। और ये है अंदर का सारा इलाका, ये है इनका इमरजेंसी और ये है रिसेप्शन। और मैंने कहाँ जाना है? मैंने जाना है नीचे। हाँ जी हाँ जी, मुझे ले जाएं लैब में जाना है मैंने। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ अभी लैब में। मेरी बहन बैठती है लैब में और मैंने देना है ब्लड सैंपल भी, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आई हुई हूँ तो फ़ायदा उठा लूँ और अपने ज़रा ब्लड वगैरह चेक कर लूँ, है ना। क्या फ़र्क पड़ता है जब आया हो तो बंदा अपना भी इलाज करवा ले। मैंने ब्लड सैंपल भी देना है। ठीक है, तो चलें जी। ये है सारा इलाका और यहाँ पर देखे मरीज़ और मरीज़ों को देखे ना, बंदे को होता है ना जी कि शुक्र है अल्लाह का कि हम मरीज़ नहीं हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हालात है अंदर। ये अभी तो होने वाला है काम और मैं तो यहाँ से जा रही हूँ कि मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सारा कुछ चीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मिड सिटी हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ जो कि मेरे बहन और बहनोई का है। इन कुछ दोस्तों ने मिलके ये बनाया है। तो कोई मसला होता है तो फिर हम इधर आ जाते हैं। वैसे तो हम लोग जाते हैं CMH जाते हैं, हम लोग अपने PF हॉस्पिटल जाते हैं। अब वो भी CMH जाते थे क्योंकि भाई जो है तो वो आर्मी में था, अब रिटायर हो गया है। तो जब तक वो आर्मी में था तो बहुत फैसिलिटी थी, अब्बू अम्मी दोनों जो हैं तो वहाँ से दवाइयाँ लेते रहे, वहाँ दिखाते रहे। CMH में सिविलियंस जा सकते हैं आपको पता है, और वहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। ये नहीं होता कि अब ये टेस्ट करना है तो किसी और जगह पे मारे मारे फिरो, ये टेस्ट करना है तो कहीं और चले जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन ख़राब हो, नहीं तो आप लोग भी जा सकते हैं वहाँ पर। और मैं तो कहती हूँ कि बहुत बेहतरीन इंतज़ाम होता है। ये प्राइवेट अस्पतालों ने तो जो है ना काम बड़ा ख़राब किया हुआ है। एक तो महंगे बहुत है, सच्ची बात है, और दूसरा बिजनेस है। दिस इज बिजनेस। यस, एक दांत निकालने के 20,000 रुपए ले लेते हैं। कोई हाल है? कोई हाल निश्ता बिल्कुल भी नहीं है कोई हाल। तो खैर, अब्बू कुछ दिनों से कह रहे थे कि दांत में दर्द होता है, जब मैं खाता हूँ तो दर्द होता है, वैसे नहीं होता। तो कुछ दिन तो मैंने गुजारा करवाया, कभी कोई लौंग रखवाई, कभी मैंने कोई गर्म पानी से गरारे करवा दिए और माउथ वॉश दे दिया। लेकिन वो जो मसला था ना, वो जूं का तू था। वो जूं रिंग नहीं रही थी। तो फिर मैंने बहन को कहा, फिर बहन ने, इनका बेटा डेंटिस्ट होता है, बाहर होता है, फिर उसको वीडियो कॉल की। देखिए अब कितने फ़ायदे हो गए, वीडियो कॉल में उसको दिखाया कि ये दांत है, ये मसला है। उसने कहा कि ये तो निकालना पड़ेगा, एक दांत है इसको निकालेंगे। पहले कुछ नहीं रह गया, थोड़े सी दांत हैं आगे से भी निकले हुए, आप देखते होंगे पीछे से भी। तो एक तो ये वजह उसकी ये है कि बचपन में जब दांत से इसे साफ ना किए हों तो ये मसला दरपेश आता है। मैंने अबू से पूछा, मैंने कहा अबू आपके दांत इतने ख़राब हो गए हैं क्यों? कहते हैं बचपन में पता ही नहीं था, गाँव शाँव में बताते ही नहीं थे, कोई दांत साफ करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बड़े अरसे तक नहीं था। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है कि दांत आप लोगों ने साफ रखने हैं। जब सही रहते हैं ना, अगर आप सफाई करते हैं तो फिर बुजुर्ग होते तक भी आपके दांत सही रहते हैं।
ये तो एक मैंने अंदर की बात बताई पते की, क्योंकि मैं तो हर बात बता देती हूँ जी। तो फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि दांत निकालना पड़ेगा, तो फिर हमने टाइम लिया और उसमें ये हो गया कि कल का टाइम था, लेकिन कल बहुत बारिश हुई लाहौर में, और दूसरा ये कि वजी के मामू फौत हो गए अचानक सुबह पता चला, तो फिर हम कल जा नहीं सके बल्कि यहाँ आ नहीं सके। तो आज आए हैं हम, और डॉक्टर कह रहा था कि अब ले आए इनको, क्योंकि इनकी लो प्लेट बंद की हुई है, ब्लड थिनर है। जब बुज़ुर्ग दिल के पेशेंट हो, इनको लगा हुआ है वो मॉनिटर भी लगा हुआ है, तो उसके लिए फिर ब्लड थिनर खाते हैं, तो वो फिर बंद करते हैं। अगर कोई ऑपरेशन हो, दांत का मसला हो, कोई भी चीज़ हो ना, तो सबसे पहले डॉक्टर्स कहते हैं ब्लड थिनर बंद कर दें, क्योंकि उससे खून पतला होता है ना, तो वो डेंजरस होता है, तो खून को नॉर्मल करना होता है। तो अब आज चौथा दिन था ब्लड थिनर छोड़े हुए, तो मैंने कहा भाई नोनी अब ये काम कर दो। कहती हाँ डॉक्टर भी कह रहा है कि ले आए। तो बहुत रश था, हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन मैं एन टाइम पे उनको पहुँचा दिया, मैं ले आई हूँ। तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो डॉक्टर्स ने देखा, सर्जन ने देखा, मैं तो आ गई, वो अच्छा बड़ा कमरा है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने वहाँ नहीं बैठना, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों से खौफ पड़ाता है, बस दिल जो है ना परेशान ही हो जाता है। तो मैंने कहा कि आप लोग करें, तो वो डॉक्टर से देखा है, तो उन्होंने कहा कि दो दांत निकालने पड़ेंगे। तो ये कुछ खा पी के आए हैं कि नहीं, तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल उनको अच्छा सा खिला पिला के लाई हूँ, इतना सा बन खिलाया है, साथ में उबला हुआ अंडा दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि ये काम होगा, क्योंकि अब मैं भी काफ़ी डॉक्टर बन चुकी हूँ। काफ़ी अरसा हो गया है इस दश्त की सयाही में, अम्मी को रखा, अब्बू को रखा अपने साथ, बल्कि मैं इनके साथ रही हूँ, तो उसमें ये था कि फिर मुझे पता चलता जाता है आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बुज़ुर्गों को इस टाइम पे क्या करना होता है, बुज़ुर्गों के मसले मसाइल क्या हैं। तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कोई मसला मसाइल है, तो मुझे ये भी पता है बुज़ुर्गों के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हैं, और मैं शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, है ना। तो बुज़ुर्गों के वाकयात भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, अब्बू से आपको मिलवाती भी रहती हूँ, देखते भी रहते हैं आप, है ना। तो बस ये है कि अब उनका काम हो रहा है, और मैं यहाँ आई थी तो मैंने कहा चले हम भी फ़ायदा उठा लें, तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट भी करवा लिया है। मैं जब भी आती हूँ या अब्बू के टेस्ट के लिए, ये घर पे भी भेज देती है अपने बंदों को, तो मैं अपना भी टेस्ट करा लेती हूँ, तो सारा कुछ टेस्ट हो जाता है, और जाहिर है जो भी होता है वो इन्हीं के अखराजात पे होता है, वैसे तो हमारे पीएफ वाले भी कर देते हैं, लेकिन वाकई ये सारा कुछ तो बहुत महंगा हो चुका है। तो ये बात है कि मैंने कहा कि आपके साथ मैं ये ज़रूर शेयर करूंगी बात, कि बुज़ुर्गों की छोटी छोटी बातों को निग्लेक्ट नहीं करना होता, नज़रअंदाज नहीं करना होता। अगर वो कहीं दर्द का कह रहे हैं तो कोई मसला होता है, जैसे मुझे अब्बू हमेशा सारी उम्र कहते रहे कि जो है ना कोई भी कोई मसला होना तो उसको अच्छा मैं आ रही हूँ, उन्हें मास्क पढ़ने गया हुआ है, तो फारिग हो गए हैं, बुध कह रही है आ जाए, शान साथ आया हुआ है, तो फिर मैं जाती हूँ। हाँ जी, तो कोई मसला हो, बच्चों का भी कोई मसला हो, बड़ों का भी मसला हो कोई, तो उसको इग्नोर नहीं करना होता, उसको ट्रीटमेंट देनी होती है, ऐवें ही ना कह दें कि ये बच्चा है कुछ भी नहीं है। तो बस ये है, अभी मैं चलती हूँ क्योंकि काम हो गया, बड़ी जल्दी हो गया माशाल्लाह। अब जाके अगला काम मेरा है, जो भी मसले मसाइल होते हैं ना, ये अम्मी अब्बू के ऑपरेशन है, जो भी है, बड़ा कुछ गुजरा है होता रहा है, उसके बाद ये मेरे हवाले कर देते हैं। हूँ बाजी जाने आगे का क्या खाना है, क्या देखना है, इनको देखना है, चेक करना है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ये सारा कुछ अब जो है ना मेरी रात ऐसे ही गुजरेगी, और मुझे इन पर चेक रखना होगा, और मैं देखूंगी और क्या खिलाना है, वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, दवाई मुझे इन्होंने अभी पकड़ा दी हुई है एंटीबायोटिक, ये पकड़ाई है इन्होंने, तो ये अब इनको देनी होगी, और ब्लड थिनर भी जाके दूंगी, ऑगमेंटन दे दी, ऑगमेंटन बड़ी सख्त होती है वैसे, मैं तो ऑगमेंटन खा लूँ तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाती है, एंटीबायोटिक से मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है। आप लोगों की भी अगर होती है ना, तो चेक रखें कि कौन सी एंटीबायोटिक आपको सूट करती है, कुछ दवाइयाँ सूट नहीं करती है ना, जैसे अबू कहते हैं मुझे एस्पिरिन डिस्प्रिन नहीं सूट करती, तो इस तरह कुछ होती हैं दवाइयाँ, और दवाइयों के बड़े रिएक्शन होते हैं, मेरे साथ बहुत बहुत रिएक्शन हो चुका है। एक दफ़ा मैं किसी दिन वो कहानी ज़रूर सुनाऊंगी, रिसालपुर में थी और बस मैं मरते मरते ही बची थी, और मैंने अपनी जो है ना सारी वसीयत भी कर दी थी, और उस वसीयत में क्या था कि वजी दूसरी शादी ना करना और मेरे बच्चों का ख्याल रखना, है ना, माएँ तो ऐसी वसीयत कर सकती हैं। उस वक्त तो ख्याल ही मुझे यही आया, और ये मुझे कहें कि चुप करो तुम कैसी बातें कर रही हो, लेकिन वाकई मुझे ना ड्रग रिएक्शन हो गया था। डॉक्टर हमारे दे देते हैं ना दवाइयाँ, मुझे बुखार हो रहा था, सिंपल बुखार था भाई, अब कह दे कि वायरल है, मुझे उन्होंने तीन चार दवाइयाँ दे दी और एक साथ दे दी, और मैंने क्या किया कि बगैर कुछ खाई पिए, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था बुखार में, मैंने खा ली, और फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं जानती हूँ या फिर मेरा अल्लाह जानता है और कोई नहीं जानता।
अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी। तो दवाइयों को सोच समझ के एहतियात से इस्तेमाल करें, ऐवें ना खा लिया करें जो भी डॉक्टर दे दे बस खा ले। जी हाँ, तो मैं चलती हूँ, अब वो निकल आए, अब इंतज़ार करें, मैंने ज़्यादा उनको नहीं रखना, अब जाके उनको देखना है, इंतज़ार में नहीं रखना, तो मैं चलती हूँ। बस ये बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, तो आपने भी अपने कोई तजुर्बात हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें, नीचे लिख दिया करें। वैसे तो आप लिखते हैं, कमेंट करते हैं, तो शेयर करें ज़रूर, दूसरों को भी बताएं, जो भी मेरी बात होती है, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताती रहती हूँ। तो मैं अब चलती हूँ, ठीक है, आगे की कहानी फिर से ही। चलें जी, मैं अब जा रही हूँ, अब्बू चले गए हैं और मैं वापस जा रही हूँ, उनको गाड़ी में बिठाऊँ, दवाइयाँ लेनी भी हैं कुछ और भी। अभी कहती है कि इनके लिए ब्रूफेन ले लें, ब्रूफेन भी देंगे, ऑगमेंटन भी देंगे, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ देंगे तो किधर जाएगा सारा मामला। लेकिन अब देनी है तो देनी है, फिर अभी मंगवाती हूँ वो भी देती हूँ। तो ये सारा नज़ारा है, अरे ये गाड़ी है, ठीक है मैं देखती हूँ। चलें जी, हम बैठते हैं और फिर बाकी बात बाद में करते हैं, बंद कर दो। चलें जी, ठीक है अबू, दर्द तो नहीं, बस बोले नहीं, बोलिएगा नहीं, बस ये सारा कुछ काम हो गया और अब हम जा रहे हैं। ये देखिए सारा समा, और अल्लाह खैर करे, बस खैरियत से हम अब पहुंच जाएं। ब्रूफेन का इंतज़ार कर रही हूँ, ब्रूफेन आए तो बस हम चलते हैं। तो ठीक हो शान, बैठ गए हो, चले अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।